हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ में। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि वो चाहते हैं कि विज्ञान एक्सप्रेस के सभी वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएं, तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको सारे के सारे विज्ञान एक्सप्रेस के वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। आज की मोटिवेशन लाइंस आप लोगों के लिए, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं यदि हम में इतना करेज है। तो यदि हम में करेज है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, तो हमारे ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। लेकिन करेज ही नहीं है तो ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का जो वीडियो है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, संघ प्लेटीहेलमिन्थीस। हमने प्रीवियसली भी कुछ फाइलम्स को यहाँ पर डिस्कस किया था। आज अगला फाइलम आ रहा है, दैट इज द प्लेटीहेलमिन्थीस। उसका एक्सट्रैक्ट है ये, प्लेटीहेलमिन्थीस का पूरा एक्सट्रैक्ट है। जितना इम्पोर्टेंट, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि सारों को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लूँ। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? शरीर संगठन। यहाँ पर शरीर संगठन कैसा है? तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंग प्रकार का शरीर संगठन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या अंग स्तर का शारीरिक संगठन। सिमेट्री, सममिति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थीस का मतलब क्या होता है, फ्लैटवर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थीस का मतलब क्या होता है? फ्लैटवर्म्स, ये डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे क्रमी होते हैं। तो जितने भी वर्म्स होते हैं उनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। द्विपार्श्व सममिति। जर्म लेयर्स, यदि हम जनन स्तरों की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिकोरकी, मतलब इनके अंदर एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर उत्सर्जन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए स्पेशल सेल्स होती है, जिनको कि हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया है ना, फ्लेम सेल्स, समझते हो? इनको हिंदी के अंदर ज्वाला कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कैसा है? तो पाचन तंत्र इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। ये पाचन तंत्र कैसा है? अपूर्ण है। इनके अंदर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब समझते हो? इनके अंदर एनस यानी कि गुदा अनुपस्थित होती है, इसीलिए ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं। ठीक है,
सिलोम इनके अंदर देह गुहा होती है क्या? तो इनके अंदर देह गुहा नहीं होती है, सिलोम एब्सेंट होती है, क्योंकि ये तो फ्लैटवर्म्स है ना, तो सिलोम तो एब्सेंट होगी, तो इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट यानी कि अगुहीय होते हैं ये, राइट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, गमनांग, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म्स पैरासाइट होते हैं, ज्यादातर फॉर्म्स पैरासाइट होते हैं, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट। हाँ, इनके अंदर, इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स, चिपकने वाले एडहेसिव ऑर्गन्स यानी कि असंजक अंग उपस्थित, जैसे जैसे सकर्स और हुक्स, सकर्स और हुक्स के चूषक और हुक्स। रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, तो इनके अंदर श्वसन जो होता है वो शरीर की सामान्य सतह से, शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा, शरीर की सामान्य सतह से विसन द्वारा, शरीर की सामान्य सतह से विसन द्वारा। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है फ्लैटफॉर्म्स के अंदर, तो इनके अंदर तंत्रिका तंत्र में एक तो नर्व रिंग होती है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड होती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, अनुलंब तंत्रिका रज्जु होता है, अनुलंब तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वलय। नर्व रिंग और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड। फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसा होता है, तो इनके अंदर निषेचन इंटरनल होता है, इंटरनल मतलब समझते हो आंतरिक, शरीर के भीतर होता है आंतरिक। डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। मतलब यदि देखो डायरेक्ट होगा तो लार्वा नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा होगा। तो फिर लार्वा कौन कौन से होते हैं, तो मिरासीडियम, मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, रीडिया, सर्केरिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, ये इनके अंदर लार्वा है जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट होगा जब लार्वा नहीं होंगे। मेंबर्स हैविंग हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्ध भवन की क्षमता, पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है, तो वो मेंबर इस प्लेटी हेलमिंथी से बिलोंग करता है और उसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी मिलती है, प्लेनेरिया या डुगेशिया, राइट, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। नाउ लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का लार्वा कौन सा होता है, तो टीनिया सोलियम के लार्वा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस, ऑनको स्फियर, ब्लेडर वॉर्म, ब्लेडर वॉर्म या फिर हेक्साकेंथ, ये
टिंगिया सुलियम कहलाता है, सिस्टी सर्कस, ओनकोस्फियर, ब्लेडर वॉर्म या हेक्साकिट। सेगमेंट्स इन टीनिया आर कॉल्ड। देखिए वैसे तो बॉडी अनसेगमेंटेड होती है इनकी, लेकिन टीनिया सोलियम के अंदर बॉडी सेगमेंटेड होती है ना, और लगभग 800 से 1000 तक, 800 तो होते ही हैं, 850 ऑन एन एवरेज मान लो, इनके अंदर बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। और टीनिया के अंदर बॉडी सेगमेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, दो जगह पे चलती है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, लाइफ साइकिल दो स्थानों पे चलती है, प्राइमरी होस्ट तो कौन है, ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो कौन है, पिग है, ह्यूमन और पिग। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ फेशियोला, मतलब देखो ये क्या था, प्राथमिक व द्वितीयक परपोषी, प्राथमिक व द्वितीयक परपोषी किसका, टीनिया सोलियम का, और यहां पर प्राथमिक व द्वितीयक परपोषी किसका भाई, फेशियोला का। तो फेशियोला का कौन है, तो यहां पर प्राइमरी होस्ट यानी कि प्राथमिक परपोषी और सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट तो कौन है, शिप या गोट भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, भेड़ या बकरी। और सेकेंडरी होस्ट कौन है, तो गार्डन स्नेल, स्नेल समझते हो क्या होता है, घोंगा, गार्डन स्नेल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का सामान्य नाम, टीनिया सोलियम का सामान्य नाम, कॉमन नेम ऑफ टीनिया सोलियम का कॉमन नेम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज या तो आप इसको क्या कहोगे, डेट इज स्टेपवर्म। ठीक है ना, है ना, पॉर्क टेपवर्म कहते हैं बेसिकली, पॉर्क टेपवर्म, क्योंकि वो सुअर का मांस खाने से होता है, टीनियासिस हो जाता है, तो टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म कहते हैं। और कॉमन नेम ऑफ टीनिया सेजिनेटा, स्पीशीज बदल गई है, तो टीनिया सेजिनेटा को हम क्या बोलते हैं, बीफ टेपवर्म। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ फेशियोला का कॉमन नेम क्या है, तो लिवर फ्लूक कहते हैं बेटा इसे, लिवर फ्लूक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और कॉमन नेम ऑफ सिस्टोसोमा, तो सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं, ब्लड फ्लूक है ना, रक्त कृमि या ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके ऊपर, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज यानी कि फ्लैटवर्म्स के ऊपर। हम लोग रोजाना 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, आप लोगों को भी मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि हर एक बच्चा, कम से कम एक बच्चे को वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि सबको ये फ्री इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।